जिला में कोरोना संक्रमण के नए मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पिछले लगभग डेढ़ महीने में ही जिला में 8,649 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। लगभग डेढ़ महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 मई को जिला में कुल 6,813 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके थे। इनमें से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4,975 थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का चरम गुजर जाने के बाद मई के दूसरे पखवाड़े में जिला में पॉजिटिविटी दर गिरने लगी और रिकवरी रेट तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। 16 जून शाम तक जिला में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 14,174 रही, जिनमें से 13,624 लोग ठीक हो चुके हैं। यानी 16 जून शाम तक जिला में मरीजों के ठीक होने की दर 96.11% तक पहुंच गई तथा जिला में 302 एक्टिव केस रह गए। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के तेज होते ही लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू से जिला में काफी हद तक संक्रमण की चेन टूटी है और इससे संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद जिला में अभी भी सैंपलिंग और टेस्टिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिला में रोजाना कम से कम 1700 तक सैंपल लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि संक्रमित लोगों का तुरंत पता लग सके और समय पर उनका उपचार शुरू हो सके। देवश्वेता बनिक ने कहा कि कोरोना को नियंत्रण करने के लिए 3T यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति अपनाई गई है। इसके अलावा वैक्सीन पर भी जोर दिया जा रहा है। जिला में वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा पहले ही 2 लाख पार कर चुका है। विदेश जाने वालों का विशेष वैक्सीन कैंप 19 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्नोत्री ने बताया कि विदेश जाने वाले जिला वासियों की वैक्सीन के लिए 19 जून को हमीरपुर के बचत भवन में विशेष शिविर लगाया जाएगा। शिविर के दौरान इन लोगों को सुबह 10 से साय 4 बजे तक टीके लगाए जाएंगे। डॉक्टर अग्नोत्री ने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक निर्माण सार इन लोगों के लिए विशेष शिविर लगाया जा रहा है।